Hello friends, welcome to my YouTube channel and this video will focus on coronavirus test. Friends, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आज हम बात करेंगे coronavirus test कैसे किया जाता है, क्या है RT-PCR और इसका प्रोसीजर। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना के टेस्ट के लिए क्या है RT-PCR एंड रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। COVID-19 यानी कि सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस होता है, मतलब कोरोना के वायरस में RNA पाया जाता है, DNA नहीं पाया जाता है। जब भी किसी पर्सन में कोरोना के लक्षण देखे जाते हैं, मोस्टली क्या होता है कि कोरोना के जो मरीज होते हैं उसमें लक्षण नहीं पाए जाते हैं, तो उस कंडीशन में दो टाइप्स के टेस्ट किए जाते हैं। फर्स्ट है RT-PCR मीन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सेकंड है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। तो देखिए क्या होता है RT-PCR, DNA से RNA बनाने की जो प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और RNA से DNA बनाने को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। किसी भी चीज़ की सटीक जानकारी उसके DNA से होती है, DNA से जो जानकारी पाई जाती है उसे DNA फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। अब जो कोरोना का वायरस है इसमें DNA तो होता नहीं है, तो वैसे तो ये बीमारी बहुत ही खतरनाक और घातक बीमारी है और इसके पहचान करने के लिए जो मेन सोर्स DNA होता है वो इसमें है ही नहीं। कोरोना में तो RNA होता है। कोरोना वायरस का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें स्पाइक प्रोटीन होती हैं और ये स्पाइक प्रोटीन कोरोना वायरस को ले जाने का काम करती हैं और इसके सेंटर पार्ट में जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ले जाने वाले RNA होते हैं। तो RNA से तो जाँच होती नहीं है, DNA से होती है, तो क्या करना चाहिए, इसी RNA को DNA में बदलना चाहिए। RNA को DNA में बदलना क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसीलिए COVID-19 की जब जांच होती है तो RNA वायरस होने के कारण RT मीन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी कि RNA को DNA में बदला जाता है। जब भी किसी पर्सन की कोरोना की जांच होती है तो उसके DNA का एक सैंपल लिया जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो हर हॉस्पिटल हर लेबोरेटरी में कोरोना के DNA का फोटो भेज दिया जाता है। जब भी ऐसा DNA सैंपल टेस्ट के द्वारा पाया जाता है तो वो कोरोना है। अब इस RT-PCR में क्या किया जाता है कि पेशेंट के नाक या मुंह के द्वारा सैंपल लिया जाता है, उसके बलगम का सैंपल लिया जाता है जिसमें कोरोना वायरस होता है, उसमें RNA होता है, RNA को DNA में बदला जाता है और उस DNA के सैंपल को लेबोरेटरी में ऑलरेडी पड़े हुए फोटो से मैच कराया जाता है। अगर मैच हो गया यानी कि कोरोना पॉजिटिव है पेशेंट, और अगर नहीं हुआ मैच तो कोरोना नेगेटिव है। अब हम बात करेंगे सेकंड टेस्ट के बारे में, यानी कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। ये कुछ ही टाइम के अंदर बता देती है कि आप कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव। होता क्या है, जैसे ही हमारे बॉडी में कोरोना वायरस इंटर करता है, इंटर करने के 3-4 दिन बाद ही हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बहुत तेज़ी से बनने लगता है और ये एंटीबॉडी कोरोना वायरस से बहुत तेज़ी से लड़ने लगता है। और डॉक्टर उस टाइम आपका ब्लड टेस्ट करते हैं और उस ब्लड को एक किट के अंदर डाला जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। इस किट में क्या होता है, केमिकल्स होते हैं जो ये पहचान करता है कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बहुत तेज़ी से तो नहीं बढ़ रहे हैं। अगर बढ़ रहे हैं यानी कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज उस कोरोना से लड़ रहे हैं, यानी कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं। अगर एंटीबॉडीज ज़्यादा नहीं बनते तो आप कोरोना नेगेटिव हैं। अब हम बात करेंगे RT-PCR एंड रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट में क्या डिफरेंस है, इसके क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज है। फर्स्ट है RT-PCR यानी कि स्वैब टेस्ट। इसकी एडवांटेज क्या है, ये एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है, मीन्स ये एक कन्फर्म कर देता है कि जो पेशेंट है कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके डिसएडवांटेज क्या है, इट टेक लॉन्गर टाइम, यानी कि कोरोना को कंफर्म करने के लिए ये बहुत लंबा समय ले लेता है। अप्रोक्सीमेटली कोरोना के कंफर्मेशन के लिए 3-4 दिन लग जाते हैं। फिर आता है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, ये ब्लड टेस्ट के आधार पर किया जाता है। अब इसकी एडवांटेज क्या है, बहुत कम समय लेता है कोरोना को कन्फर्म करने के लिए, अप्रॉक्स आधे घंटे से लेकर 1 घंटे का समय लगता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, टाइम डिमेरिट्स। तो इस तरह की कंडीशन में क्या होता है, टाइम को लेकर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं वो नेगेटिव आ सकते हैं और नेगेटिव वाले पॉजिटिव आ सकते हैं। इसमें दो टाइप्स की कंडीशन आती हैं। फर्स्ट कंडीशन है सपोज हमारे लंग्स इन्फेक्टेड हुआ है तो एंटीबॉडी
कितने दिन के बाद बनेगी? 3 से 4 दिन के बाद। तो उस टाइम पे टेस्ट आप कोरोना की किट से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव होने के बाद भी नेगेटिव आएगा। अब सेकंड कंडीशन में आता है, जब पेशेंट कोरोना से ठीक हो जाते हैं तो ठीक होने के बाद भी 3 से 4 दिन तक बॉडी में एंटीबॉडीज बनती रहती हैं, यानी कि वो नेगेटिव हैं लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव दिखाता है। इस कंडीशन में भी आप किट के थ्रू टेस्ट नहीं कर सकते हैं। इस कोरोना किट को यूज करने का फायदा तभी है जब किसी पर्सन में कोरोना के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं, यानी कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बहुत तेजी से बन रही है और वो कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रही हैं, तभी कोरोना किट से टेस्ट करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। तो ये था आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।